अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो कल तक हुकूमत का सबसे बड़ा हमदर्द था, आज वही सबसे बड़ा दर्द दे रहा है हुकूमत को। और आजकल इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा इनकलाबी बना हुआ है, या फिर ये कह लीजिए कि जिहादी बना हुआ है, या पता नहीं उसका जमीर जाग गया है या मामला कुछ और है कि झोलियां भर भर के तहरीके इंसाफ को सीटें दी जा रही हैं। पहले कौमी असम्बली के 39 मेंबरान को तस्लीम किया और अब तकरीबन 93 मेंबरान जो है वो मजीद तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिए गए हैं, जिसके बाद पूरा सिनेरियो तब्दील हो चुका है। यूं कह लीजिए कि इस मौजूदा हुकूमत के साथ साथ जो है विफाकी हुकूमत के साथ साथ पंजाब हुकूमत की जो सांस है वो भी गले में आ चुकी है, क्योंकि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। और दोस्तों, खबर बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली है, तफसील के साथ आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा मखसूस नशस्तों के हवाले से बड़ा एक जबरदस्त इकदाम किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है, तसल्ली से और तफसील से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की मखसूस नशस्तों का जो मामला था, उस हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐसा इकदाम उठाया, एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। वो ये कि जो मखसूस नशस्तें हैं, सबसे पहले तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के वाकयात में जाम हक होने वाले कारकुनान या लीडरान हैं, उनकी बेवाओं को दी जाएंगी। उनकी बेवाओं को, उनके अहलखाना में खवातीन को नशस्तें दी जाएंगी। और उस हवाले से कुछ नाम भी सामने आए हैं जिनको सीटें देनी है। उसके अलावा जनाब, दूसरी जानब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए 35 खवातीन के नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। और उसमें कुछ खवातीन को कौमी असम्बली की कैटेगरी में रखा गया है और कुछ को जो है वो सूबाई असम्बली की कैटेगरी में रखा गया है। सनम जावेद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तैयबा राजा हैं, इन सब लोगों को जो है वो सूबाई असम्बली में रखा गया है पंजाब में, जबकि आलिया हमजा जो है वो कमल शौजब हैं, और इनके अलावा और जनाब रेहाना डार साहब हैं और बहुत सारी खवातीन हैं, इनको सूबाई असम्बली में रखा गया उस कैटेगरी में। और अभी एक और बड़ा फैसला आना अभी बाकी है, उस हवाले से फैसला महफूज हो चुका है, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। और अभी आपको बता दूं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पीटीआई में मजीद लोगों को एडमिट कर लिया है, कबूल कर लिया है, जिसमें पंजाब असम्बली के जो है वो 29 हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अराकीन हैं और 6 अरकान जो हैं वो हैं इसके अलावा जनाब सिंध असम्बली में, जिनको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है कि ये पीटीआई के हैं। कुल मिला के ये बनते हैं जनाब 93 अरकान बनते हैं जो कि तहरीक इंसाफ में मजीद शामिल हो चुके हैं। यानी कि अब पंजाब में भी, पंजाब असम्बली में भी, केपीके असम्बली में भी और सिंध असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिकॉग्निशन है और तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी अब वहां पर मौजूद है। और अब तहरीक इंसाफ जो है वो लीगली, मॉरली और कॉन्फिडेंशली जो है अब अपनी कोई पोजीशन ले सकती है। इससे पहले तो तहरीक इंसाफ को कबूल ही नहीं किया जा रहा था। अब ये देखिए सूरत हाल, एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं मानते, और दूसरी जानिब धड़ाधड़ अरकान को तस्लीम कर रहा है। अच्छा, चंद अरकान को जो है तस्लीम कर रहा है, चंद को नहीं कर रहा, या कुछ को कर रहा है कुछ को नहीं तस्लीम कर रहा। अब भी गेम डालने की कोशिश है और कोशिश यही की जा रही है कि अभी मजीद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तोड़े जाए, स्पेशली कौमी असम्बली के, और उनको तोड़ के किसी तरह से हुकूमती बेंच में शामिल किया जाए ताकि किसी ना किसी तरीके से 2/3 मेजोरिटी जो है वो बनाई जाए। लेकिन मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी नज़र में भी अच्छा बनने के लिए ये कुछ मेंबरान को जो है वो तस्लीम कर रहा है, शामिल कर रहा है, सबको नहीं कर रहा। अब इसकी स्ट्रेटजी ये है कि बाकी के जो हैं अब इसको मामले को थोड़ा लटकाया जाए और दूसरी जानिब इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। देखो, घरों पे छापे तो इस वक्त जारी है, पकड़ दकड़, घरों पे छापे, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ इस वक्त जारी है। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें नजर आ रही हैं, अंदर खाते उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा होगा और ब्लैकमेल किया जा रहा होगा,
वो तो वही जानते हैं या फिर उनका खुदा जानता है। तो बहरहाल कोशिश यही है इस वक्त के तहरीक इंसाफ के, लोगों को तोड़ा जाए, हुकूमती बेंचों में शामिल किया जाए और किसी ना किसी तरीके से टू थर्ड मेजोरिटी जो है वो पूरी की जाए, क्योंकि टू थर्ड मेजोरिटी के अलावा इस हुकूमत का सर्वाइवल नामुमकिन है। पहले पंजाब का मामला था और पहले विफाक का मामला था, अब विफाक के बाद जनाब अब जो पंजाब है, पंजाब की हुकूमत जो है वो भी हिल के रह गई है इन फैसलों के बाद। अब मामला कुछ यूं है कि अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, वो कहता है कि जनाब ये जो आजाद अरकान है इनका ये मामला है, ये मामला है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहला फैसला दिया था, अब ये फैसला भी उसी तरह से आएगा, ये भी निमट जाएगा, अल्टीमेटली ये लोग भी तहरीके इंसाफ में ही जाएंगे, किसी और जमात में नहीं जा सकते। वो कुछ टेक्निकलिटीज सामने ला रहे हैं जो कि बिल्कुल मजाका खेज हैं इलेक्शन कमीशन के, वो जो एक्सक्यूजेज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो खैर वो चलने नहीं है। अब मामला ये है कि अब दूसरी जानिब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, उस हवाले से जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपको सुना दूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ जो पीटीआई की दरखास्तें थी उनका उन पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जनाब फैसला महफूज किया और उन्होंने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि वेट फॉर ऑर्डर है, जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा, एक दो दिन में फैसला सुना दिया जाएगा। जनाब इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त हुई। दरखास्त दी थी जी आमिर मुगल साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा है और उनका इस वक्त इस्लामाबाद का जो हलका है वहां से उनकी सीट का भी रोला चल रहा है, इशू चल रहा है, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, उनके पास उनका वो केस लगा हुआ है और उनके वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने जवाबी दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक जो जुबान दरखास्त में इस्तेमाल हुई है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और अदालत ने अपने ऑर्डर में इसे तोहीन आमेज़ जुबान करार दिया है। और जनाब तोहीन अदालत किसी शख्स के लिए, इदारे के लिए होती है, अगर इस चीज़ को इस तरह जाने दिया गया तो ये सियासी लोग हैं, आइंदा फिर करेंगे। इस इदारे की हिफाजत अदालत ने की और हमारी भी जिम्मेदारी है, इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही ट्रिब्यूनल है और इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। और इस पर जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जब ट्रिब्यूनल बन जाए तो उससे काम मुकम्मल करने तक नहीं रोका जा सकता, तो वकील साहब ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रिब्यूनल तब्दील हो सकता है, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो जनाब इस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया है और रिमार्क्स में ये कहा है कि जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा, कोशिश होगी कि एक दो दिन में जो है इसका फैसला सुना दिया जाए। और दोस्तों इसके बाद जो फैसला आना है उसके बाद लाइनें लगनी है, लाइनें, फॉर्म 45 वाला मामला खुलना है और अब इसमें जो है किसी किस्म की कोई रुकावट डालना भी हुकूमती टोले के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ये एक वारदात डालने की कोशिश की गई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए और लेकिन वो वारदात तहरीक इंसाफ ने जो है वो जुडिशरी की मदद से बर वक्त पकड़ ली और पकड़ के जनाब उसको कुचल दिया। अब यूं कह लीजिए कि ये जो फैसला हुआ है ये इलेक्शन कमीशन की उस वारदात को कुचलने का फैसला हुआ है, ये वारदात कुचल दी गई है अभी से, मैं आपको बता रहा हूँ, फैसला चाहे एक दो रोज बाद आए। और अब दूसरी जानिब जनाब 30 जुलाई को मरियम नवाज साहिबा ने अपने फॉर्म 45 जो है वो ट्रिब्यूनल में देने हैं और वो किसी सूरत दे नहीं पाएंगी, तो ये तो अभी इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चैनल आपका अपना है, ऐसी मजीद खबरें देखने और सुनने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।